हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर टू द गुड टर्न पढ़ेंगे. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. शीना वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ अ पेरेंट. शीना एक लड़की का नाम है जो कि एक ही बच्ची थी अपनी पेरेंट्स की. ठीक है, दे लव्ड हर सो मच दैट शीना टर्न अ स्पॉइल्ड चाइल्ड. तो अब एक ही बच्ची थी उनकी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शीना को बहुत प्यार किया, बहुत प्यार करते थे, तो वो शीना क्या हो गई, एकदम बिगड़ गई. स्पॉइल्ड चाइल्ड मतलब बिगड़ गई. ठीक है, हर पेरेंट्स यूज टू फुलफिल एवरी विश ऑफ देयर डॉटर. तो उसके पेरेंट्स क्या करते थे, अपनी बेटी की हर एक ख्वाहिश क्या करते थे, पूरी करते थे. शीना ग्रीव अप टू बी प्राउड, सेल्फिश एंड रूड. तो शीना बड़ी होती गई तो क्या होने लगा, उसमें घमंड आने लगा. सेल्फिश, सेल्फिश मतलब क्या होता है, अपनी मर्जी का करने लगी. और रूड, बहुत बदतमीज़ हो गई. हर नेबर यूज़ टू कॉल हर अ स्पॉइल्ड चाइल्ड. तो उसके नेबर का मतलब क्या होता है, पड़ोसी. तो उसके पड़ोसी लोग उसको क्या बोलते थे, बिगड़ी हुई बच्ची बोलने लगे. ठीक है, मैनी टाइम्स हर मदर नोटिस सम बैड हैबिट इन हर. बहुत बार उसकी मम्मी ने क्या किया, उसमें बैड हैबिट मतलब गंदी आदतों को देखा था कि शीना क्या कर रही है, अपने पड़ोसियों से अच्छे से बात नहीं कर रही है, रूड बिहेव कर रही है ना, ये सब क्या किया था उसकी मम्मी ने, नोटिस किया था. She noticed that her daughter was not willing to share anything, her book, her toys, etc. with her friends or cousin. तो उसकी मम्मी ने क्या नोटिस किया कि शीना अपने जो भी बुक्स है या टॉयज़ है या खिलौने हैं वो किसी के साथ शेयर करना क्या नहीं करती, पसंद नहीं करती. वो अपने ही अपने में खुश रहती है, मतलब अपनी चीज़ें किसी को देना नहीं चाहती. कौन नोटिस किया था ये चीज़ को, उसकी मम्मी ने. तो शीना ऑलवेज क्वारल्ड विद देम बैडली. क्वारल मतलब लड़ाई करना. तो शीना क्या करती थी, हमेशा उन लोग से बहुत बुरी तरीके से, बहुत गंदी तरीके से क्या करती थी, लड़ाई करती थी. फिर ड्यू टू हर बैड एटीट्यूड शीना स्टार्टेड लूजिंग हर फ्रेंड वन बाय वन. तो ये गंदा एटीट्यूड की वजह से, मतलब लड़ाई वाले एटीट्यूड की वजह से क्या होने लगा, शीना के फ्रेंड्स क्या होने लगे, कम होने लगे. उससे कोई दोस्ती करना नहीं चाहता था. सून शीना ग्रीव अप एंड इट वॉज अ टाइम फॉर हर टू गो टू स्कूल. और ऐसे टाइम बीतता गया और शीना बड़ी हो गई और अब कौन सा टाइम आ गया, उसको स्कूल जाने का टाइम आ गया. सो इवन इन स्कूल शी हैड नो फ्रेंड्स. अब स्कूल भी पहुँच गई तो वहाँ भी क्या नहीं थे, उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे. आफ्टर फ्यू डेज अ न्यू गर्ल ज्वाइन द स्कूल. शीना के स्कूल ज्वाइन करने के थोड़े दिन बाद एक नई लड़की आती है. हर नेम वॉज मिया. उसका नाम क्या था, मिया था. शी वॉज वेरी सिंपल, क्वाइट एंड शाई गर्ल. तो वो कैसी थी, सिंपल थी, शांत थी, थोड़ा शर्माती थी. कौन थी ये मिया, जो नई लड़की आई थी वो ऐसी थी. ठीक है, शी वॉज नॉट वेरी इंटेलिजेंट. और वो इतनी होशियार, इंटेलिजेंट मतलब होशियार, वो इतनी इंटेलिजेंट भी नहीं थी. शी बिकम्स शीनाज फ्रेंड. और ये क्या, जो नई लड़की आई थी वो कौन थी, क्या बन गई, शीना की फ्रेंड बन गई. ठीक है, शीना यूज़ टू डोमिनेट हर बट मिया हैड नो प्रॉब्लम. तो शीना क्या करती थी, हमेशा उसको दबा देती थी. वो कुछ बताना चाहती थी तो वो अपनी बात बीच में ला के उसको चुप करा देती थी. हमेशा उसको क्या करती थी, डोमिनेट करती थी. तो शीना उसको डोमिनेट करती थी बट उसको, मियाँ को जो नई लड़की आई थी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था. क्यों नहीं था, क्योंकि वो बहुत शर्माती थी सबसे, है ना. वन डे देयर क्लास टीचर स्कोल्ड मिया बैडली फॉर नॉट डूइंग हर होमवर्क प्रॉपरली एंड देयर वर लॉट्स ऑफ मिस्टेक. और एक दिन क्लास टीचर ने क्या किया, मिया को बहुत गंदी तरीके से डांटा, क्लास में सबके सामने डांटा. क्यों डांटा, क्योंकि उसने अपने होमवर्क को अच्छे से और साफ सुथरा तरीके से नहीं किया था. ऑल स्टूडेंट स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ मिया. तो जो भी बच्चे थे क्लास में, सब कोई क्या करने लगे, मिया की हंसी उड़ाने लगे. She sat quietly saying a word. वो चुपचाप, मतलब रोते रोते चुपचाप बैठ गई अपनी जगह पे. When Sheena came back from school, she told this incident to her mother. और फिर Sheena जब घर आई स्कूल से, तो ये इंसिडेंट मतलब वो जो हुआ था स्कूल में, जो भी सीन हुआ था, वो सब सीन को किसने बताया, अपनी मम्मी को. Sheena ने अपनी मम्मी को सारी चीज़ें बताई. हर मदर आस्क्ड शीना टू हेल्प हर. तो उसकी मम्मी ने शीना को, मतलब शीना की मम्मी ने क्या कहा शीना को, कि तुम्हें वहाँ पे क्या करना चाहिए था, उसकी हेल्प करनी चाहिए थी. ठीक है, शीना रिप्लाइड शर्गिंग हर शोल्डर
वॉट कैन आई डू इफ शी इज सो डम। तो शीना ने अपने कंधे को उठाते हुए बोला कि मुझे क्या करना, मैं क्या कर सकती हूँ अगर वो इतनी डम है, मतलब वो उसको कुछ समझ नहीं आता, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। हर मदर स्कोल्डेड शीना एंड सेड दैट इज़ नॉट अ नाइस वे टू टॉक टू योर फ्रेंड। शीना की मम्मी ने उसे क्या किया, डांटा और बोला कि ये सही तरीका नहीं है अपने फ्रेंड्स लोग से बात करने का। ठीक है, लेट मी टेल यू अ स्टोरी अबाउट काइंडनेस। अब उसकी मम्मी क्या बोली कि मैं तुमको एक स्टोरी बताती हूँ काइंडनेस पे। ठीक है, तो हर मदर नरेटेड हर द स्टोरी ऑफ द एंट एंड अ डव। तो यहाँ पे उसकी मम्मी ने कौन सी स्टोरी बताई, एक एंट की, चींटी की, और डव मतलब कबूतर की। किसकी स्टोरी बताई उसकी मम्मी ने, चींटी और कबूतर की स्टोरी बताई। शी टोल्ड हर दैट नाउ डैट वंस एन एंट वॉज ड्रॉइंग इन वाटर एंड डव हेल्प द एंट बाई थ्रोइंग अ लीफ इन टू द वाटर सो दैट द एंट कुड सेफली फ्लोट ऑन इट टू रीच द बैंक ऑफ द रिवर। तो ये स्टोरी क्या थी कि एक बार एक चींटी थी जो वो पानी में गिर जाती है, तो जो डव मतलब जो कबूतर उड़ता है ऊपर वो देखता है तो एक पत्ता तोड़ के चींटी के पास फेंक देता है ताकि चींटी उस पर पत्ते पे आ जाए और पत्ते को बैंक तक मतलब किनारे तक पत्ता आएगा तो चींटी बच जाएगी। तो ये स्टोरी कौन बताया था, शीना की मम्मी शीना को बताई थी काइंडनेस की। ठीक है, तो फिर हर मदर फर्दर नरेटेड दैट वन डे व्हेन बर्ड कैचर केम टू कैच डव एंड थ्रू नेट ऑन इट। तो उसने बताया कि फिर एक दिन की बात है जब कबूतर को पकड़ने एक मतलब चिड़िया पकड़ने वाला आया था कबूतर को पकड़ने, तो उसने क्या किया था उस कबूतर के ऊपर उस डव के ऊपर क्या फेंक दिया, नेट फेंक दिया, जाली फेंक दिया ताकि वो कबूतर कहीं उड़ ना पाए, वो डव कहीं उड़ ना पाए। तो द एंट केम रनिंग टू सेव द डव। तो वहीं पे एंट क्या की, दौड़ते दौड़ते आई क्या के लिए, उसको किसको बचाने के लिए आई थी एंट दौड़ते दौड़ते, डव को बचाने के लिए आई। इट निप द आर्म ऑफ द बर्ड कैचर शार्पली एंड सेव द लाइफ ऑफ द डव। तो उसने क्या किया, चींटी ने जोर से डव कैचर के हाथ में काटा, तो डव कैचर के हाथ पे काटा तो नेट छूट गया। फिर क्या हो गया, वो डव बच गई। माई चाइल्ड लर्न समथिंग फ्रॉम दिस स्टोरी दैट इफ यू आर गुड टू अदर देन दे टू विल बी गुड टू यू। तो ये बोल रही है, बेटा तुम इस स्टोरी से समझो कि अगर अपन दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली एक दिन सामने वाला जिसकी अपन मदद किए हैं वो भी क्या करेगा, अपनी हेल्प करेगा। अगर अपन सामने वाले की हेल्प करेंगे आज तो वो अपनी हेल्प करेगा कल। ठीक है, द नेक्स्ट डे शीना हेल्प मिया टू सॉल्व हर प्रॉब्लम इन स्टडीज़। तो दूसरे दिन शीना क्या की, मिया की हेल्प की। ठीक है, मिया थैंक्ड शीना फॉर हेल्पिंग हर। तो मिया क्या की, शीना की थैंकफुल की, शीना को थैंक यू बोली कि तुमने मेरा हेल्प किया। द सेम डे द क्लास टीचर अप्रिशिएटेड मिया फॉर इम्प्रूवमेंट। उसी दिन मिया की क्लास टीचर और शीना की जो क्लास टीचर थी क्या की, उसको अप्रिशिएट की। किसको अप्रिशिएट की, मिया को अप्रिशिएट की कि तुम आज अच्छे से होमवर्क करके आई हो। फिर मिया अगेन थैंक शीना एंड शीना हार्ट वॉज फिल्ड विथ हैप्पीनेस। तो फिर क्या हुआ, मिया ने वापस से शीना का थैंकफुल किया तो शीना बहुत खुश हुई, है ना। After few days, Sheena had a fight with some students. कुछ दिन बाद शीना की क्या हुआ, कुछ स्टूडेंट से लड़ाई हुई। She was punished. तो उसको क्या किया गया, पनिशमेंट दिया गया। किसको दिया गया, शीना को। शीना was feeling bad and unhappy. शीना को कैसे लग रहा था, बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था। The punishment was that she had to clean the classroom. तो उसको पनिशमेंट क्या दी गई कि तुम्हारी पनिशमेंट है, तुम पूरे क्लासरूम को क्या करोगी, साफ करोगी। ठीक है, दिस वॉज वेरी ह्यूमिलेटिंग फॉर हर। वो क्या था, बहुत शर्मनाक था उसके लिए, उसको शर्म आ रही थी उसको वो काम करने के लिए। ठीक है, शी स्टार्टेड क्राइंग बट सडनली अ वॉइस केम, आई एम विथ यू। वो रोने लगी, मतलब क्लासरूम साफ करते करते क्या हुआ, वो रोने लगी, पर उतने में ही आवाज़ आई, डोंट क्राई आई एम विथ यू। ठीक है, तो आवाज़ आई आई एम विथ यू। एज शीना टर्न बैक टू सी, शी वॉज हैप्पी टू सी हर फ्रेंड मिया।
तो जैसे ही शीना रो रही थी तो पीछे से आवाज़ आई, आई एम विथ यू। तो वो कौन थी? मियाँ थी। तो जैसे ही वो टर्न हुई पीछे तो वो क्या हो गई? खुश हो गई। किसको देख के? मियाँ को देख के। मियाँ टोल्ड हर दैट शी वुड हेल्प इन क्लीनिंग द क्लासरूम। तो मियाँ ने कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी क्लासरूम को साफ करने में। शीना अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ बींग गुड टू अदर्स। तो उसे शीना को पता चल गया कि अगर अपन किसी के लिए अच्छा काम करेंगे तो सामने वाला भी क्या करेगा? अपन के लिए अच्छा काम करेगा। जैसे शीना ने हेल्प की थी इसकी होमवर्क में, तो वैसे मियाँ ने इसकी रिटर्न में हेल्प की क्या के लिए? क्लासरूम को साफ करने के लिए। फ्रॉम द डे शीना डिसाइडेड टू बी अ गुड गर्ल। उसी दिन से शीना क्या हुई? शीना ने क्या डिसाइड किया? कि मैं एक अच्छी लड़की बनूंगी। शीना मदर वॉज हैप्पी टू सी द गुड बिहेवियर ऑफ हर डॉटर। तो शीना की मम्मी जो थी वो बहुत खुश हुई शीना का गुड बिहेवियर देख के। ठीक है, तो अब तुम लोग ये वीडियो को सुनना और अच्छे से स्टोरी को समझना हो। ठीक है, थैंक यू।